अगर आप भी इंटर में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं जो सेशन 2022 से 24 वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बन रहा है। क्या मेरिट लिस्ट वास्तव में जारी हो चुका है या ऐसा वीडियो आप कई देख चुके होंगे, तो इस वीडियो में हम कन्फर्म और बिल्कुल सही जानकारी आपको बताने वाला हूँ। साथ ही डाउनलोड लिंक जारी हुआ या नहीं हुआ, क्या आपको ये फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, कैसे भरना है और इसको भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, हम सभी जानकारी को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं तो आप लोग का मेरिट लिस्ट कब किया जाएगा जारी, इसके बारे में क्या है। तो प्रथम सूची जारी करने के संबंध में अभी तक बिहार बोर्ड की ओर से कोई भी ऐसी सूचना जारी नहीं हुई है कि मेरिट लिस्ट कब होगी जारी, लेकिन उम्मीदतः यह बताया जाता है कि सूची जल्द ही जारी की जाएगी। जैसे कि छात्रों को चुने हुए कॉलेज में जाकर नामांकन लेना होगा, प्रथम मेरिट लिस्ट यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि ऑफलाइन लिया जाएगा, यानी कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ पे प्रक्रिया ये ऑफलाइन भी लिया जाएगा कोरोना के कारण। जैसे कि पटना ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कोरोना अभी काफी बढ़ रहा है फिलहाल, तो इसकी वजह से वहाँ पर भी कुछ नई प्रक्रिया लाई गई है। साथ ही ऐसे कॉलेजों में भी निकलेगी नोटिस, जिस छात्रों का नामांकन सूची में होता है नाम तो वैसे छात्रों के लिए स्कूल में भी सूची जारी किया जाएगा। लगभग 20 लाख सीटों पर इस बार नामांकन होगा, इसलिए कहा जा सकता है कि कोई भी छात्र नहीं बचेंगे। अब हम बात करते हैं नामांकन के लिए जरूरी कागजात क्या क्या है। तो मूल अंक प्रमाण पत्र, मूल SLC स्कूल लेवल सर्टिफिकेट मतलब होता है, मूल कैरेक्टर प्रमाण पत्र, मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी प्रोविजन में इत्यादि आपको लगेगा। वैसे आपके कॉलेज पर भी निर्भर करता है, कुछ एक्स्ट्रा भी आपको जानकारी मांगा जा सकता है जिसे आप रखें, जैसे जीमेल या फिर आपको खाता नंबर पासबुक मांगा जाए जो कि आपको तैयार रखना है। अब इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि खत्म हो चुका है, ये आप सभी को पता है, 12 जुलाई तक ही था। डाउनलोड करने का मेरिट लिस्ट यहाँ पे हमने लिंक दे दिए हैं जहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं, डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं, साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे भी कई ऐसे लिंक है जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल लिंक है जहाँ पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने के बाद आपको क्या रीजन आता है आप हमें कॉमेंट में बताएं। साथ ही मेरिट लिस्ट के लिए आप ये ऑफिशियल साइट पर जरूर क्लिक करके देख लीजिए, सारी जानकारी को ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको सारा जानकारी समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए हैं वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बिल्कुल सही और सच्ची बात बताने का प्रयास किया कि आपका मेरिट लिस्ट बिहार बोर्ड के द्वारा अभी जारी नहीं हुआ है। ऐसे वीडियो से आप हतोत्साहित मत होइए, जैसे ही आपका जारी होता है हम पूरी प्रक्रिया को आपको यहाँ पे आकर लाइव में समझा दूंगा, साथ ही वो फॉर्म भरने की तरीका भी मैं बता दूंगा जब आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।